जो घर वालों के उससे लगे हैं, मतलब घर वाले संतुष्ट नहीं, जो पुलिस ने कहानी बताई उससे घर वाले संतुष्ट नहीं है। एक महिला पे पूरा पुलिस ने उसको फोकस करा है, और वो भी साइको बताई महिलाएं। तो परिवारों का ये है कि दूसरे लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो उसकी जांच हो जाए, और सीबीआई की जांच इनकी पूर्ण रूप से बैठता है, इनका हक बैठे हैं कि सीबीआई की जांच हो जाए और उससे क्लियर हो जाए, और वो पूरा, क्योंकि सीबीआई होगी तो सब चीज़ वो बताएगी, एक एक मिनट टू मिनट की सारी चीज़ें, घटनाओं पूरा बताएगी, तो उससे संतुष्टि होगी, घर वालों को भी होगी, समाज के लोगों को भी होगी। तो भाई क्यों हुई हत्या, क्यों करी, उसके पीछे रीजन क्या है? ठाकरे साहब, आप हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात करेंगे, बिल्कुल बात देश के करेंगे, प्रधानमंत्री से कर सकते हैं बात? हरियाणा में इतना बदल क्यों हरियाणा रहा है? में करेंगे ही नहीं सही, देश का प्रधानमंत्री तो लाइन पर नहीं आने का, लेकिन इन मुख्यमंत्री से बात करेंगे। क्या कुछ समय निश्चित करेंगे, कितने समय के अंदर होना चाहिए? नहीं होना चाहिए तो बता देंगे, जो सब लोग हैं अपने और सब लोगों की डिमांड है, ये हो जाएंगी, आज ही बात कर रहे हैं हम उनसे मुख्यमंत्री चिट्ठी। जी को क्या अभी तक पता नहीं है, एक बार भी बिल्कुल पता संज्ञान नहीं होगा, लिया? बिल्कुल पता होगा, जानकारी होगी उनको, और जानकारी तो है ही, और यहाँ के जो अधिकारी है, जो एमएलए हैं, उन्हें भी पता होगा, और जो इंटेलिजेंस की, उसकी जो हर रोज की रिपोर्ट जाती है, वो सब डायरेक्ट उन्हीं को जाती है, क्या यहाँ पे हो रहा है, वो सब रिपोर्टें शाम को उनके पास में चली जाती है, हर यहाँ की हर आधा घंटे की, 1 घंटे की हर रिपोर्ट मुख्यमंत्री के टेबल पर होती है। ठीक है सर, आपका लगता है आपका जो एक परिवार मिनट को, यार, 1 मिनट जी, ठेका साहब, जो भारतीय किसान यूनियन है, आप राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, तो आपकी यूनियन की तरफ से क्या इनिशिएटिव लिया जाएगा? नहीं हम तो सरकार को ही कहेंगे ना इसमें, क्योंकि इसमें अभी वो नहीं है कि इसमें मूवमेंट और वो करा जाए, कुछ लोग इसमें अरेस्ट हैं, और ये तो पुलिस इनको संतुष्ट करे अधिकारी, और इसकी सीबीआई जांच हो जाए तो उसी से ही ये संतुष्ट है, इसमें मूवमेंट का और उसका वो अभी नहीं लगता कि उस लाइन पे गांव और गांव समाज और वो लोग जाएं, अब ये बिल्कुल नज़दीक का मामला है, यहाँ का ही मामला होगा पाएगा, ये इनकी संतुष्टि हो जाएगी, सभी की संतुष्टि हो जाएगी, क्योंकि 15 दिन हो गए और हर रोज़ यहाँ पे लोग आ रहे, क्योंकि ये खबर पूरे उत्तर प्रदेश में, इसमें पूरे देश भर में खबर जाती है, आप लोगों के माध्यम से, चैनल और मीडिया के माध्यम से इसको देख रहे हैं सब लोग, इस पे हैं कि भाई बच्चों के साथ में ये हो क्या रहा है, एक आध जगह और जगह भी घटना हुई इस तरह की, तो ये सारे को फिर जोड़ा जाता है कि बच्चों के साथ में अनजस्टिस हो रहा है ये। ठीक है सर, परिवार को ये लग रहा है कि महिला को साइको बता दिया गया है, कहीं ना कहीं महिलाओं महिला के ऊपर वो धाराएं नहीं लग सकती, जो एक आरोपी, क्योंकि हत्या का मामला है, वो उस महिला के ऊपर वो धाराएं नहीं लग। बिल्कुल लगता है इनको, और कुछ लोगों ने और भी बताया कि वह किसी, वो अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी, तो एक बार उसने स्टैंडिंग वोट दिया था, तो ये लगता है कि ये ऐसे ही ये ख़त्म हो जाएगा फिर मामला, अगर इसमें और लोग सामने नहीं कोई आएगा, नहीं इसमें और पकड़ा जाएगा, अगर पूरी जानकारी नहीं होगी तो उसी को पागल घोषित करके वो छूट जाएगी। तके साहब, आपने कहा पत्र लिखेंगे, पत्र किसको पत्र से भी लिखेंगे, मुख्यमंत्री को उसकी कॉपी पत्र किस किस को भेजेंगे? नहीं भेज देंगे, वो तो ट्वीट होता है पत्र का, मतलब तो आजकल ट्वीट ट्वीट होता है, करेंगे आप? तो यहाँ से ही कर देंगे वो, हाई कोर्ट उसकी को करेंगे कॉपी साथ में? सबको कर देंगे, उसकी कॉपी कर देंगे यहाँ पे, और हम बात भी करेंगे, आज कोशिश करेंगे साहब, रिश्ते शर्मसार हो रहे हैं, ज्यादा पारिवारिक मामला है सारा का सारा, जो पारिवारिक परिवार मामला का भी है, कोई भी है, देखो अपराध है, अपराध जो करता है वो एक किस्म से फिर अपराध ही है, कम से कम समाज के सामने तो आए ना, वो आना चाहिए, ये क्यों हुआ इसका कारण। सीबीआई के साथ फांसी की मांग है, मांग तो कोर्ट करता है, फिर उसमें जो भी है वो तो कोर्ट डिसाइड करता है कि क्या होता है, वो कोर्ट करता है, वो फैसला तो कोर्ट का ऐसा है। दोबारा ना हो, लोग ये सोचते हैं ऐसा बिल्कुल दोबारा ना नहीं होना चाहिए, देखो सामने चीजें आ जाएंगी तो फिर सबके सामने चीजें आ जानी चाहिए, पूरा साफ हो, तो लोगों को शर्म लगे, लोगों को डर लगे, भय रहे, और रिश्ते भी तार तार ना हो, ये जब सबके सामने आ जाएंगे तो ये उसके बाद ही चीजें होगी।